नॉलेज मैनेजमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा एतराज़ किया जाता है कि दावा तो किया जाता है कि नॉलेज मैनेजमेंट के नतीजे में इदारे में या इंस्टीट्यूशन में इनोवेशन आएगी लेकिन इनोवेशन का नहीं महसूस होती नहीं नज़र आती तो आइए देखते हैं कि यह किस तरह का चैलेंज है और इसका फिर हल क्या है इनोवेशन है क्या इनोवेशन है क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज एंड आइडियाज़ टू फैसिलिटेट न्यू बिजनेस आउटकम्स एम्ड एट इम्प्रूविंग इंटरनल बिजनेस प्रोसेस एंड स्ट्रक्चर्स एंड टू क्रिएट मार्केट ड्रिवन प्रोडक्ट्स एंड सर्विस इसमें ना सिर्फ प्रोडक्ट्स और सर्विस बनाई जाती हैं नई बल्कि जो आपके प्रोसेस हैं उसमें भी इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश की जाती है और अपने प्रोसेस और स्ट्रक्चर्स को आप नए तरीके से अंजाम देते हैं के एम का क्या तल्लुक है इनोवेशन के साथ कैप्चरिंग एंड शेयरिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड रॉ मेटीरियल टू हेल्प इंस्पायर पीपल थ्रू आउट एन ऑर्गनाइजेशन टू फिगर आउट समथिंग डिफरेंट एंड बेटर जब आप इंफॉर्मेशन को कैप्चर करेंगे और शेयर करेंगे उसके नतीजे में uh, नया आइडियाज़ uh, आने चाहिए के एम शुड फेसिलिटेट एंड मोटिवेट दोज लीप्स ऑफ थिंकिंग टू एनहेंस इंडिविजुअल क्रिएटिविटी एंड ऑर्गेनाइजेशनल इनोवेशन कैपेबिलिटीज तो के एम को असूली तौर पर ये काम करना चाहिए कि वो इनोवेशन की कैपेबिलिटीज में इजाफा करे स्पीड ऑफ़ इनोवेशन इज़ कंटिनली इंक्रीजिंग ड्यू टू टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन कि टेक्नोलॉजी का जो इनकलाब आया है उसके नतीजे में इनोवेशन की जो स्पीड है वो बढ़ गई है और मुसलसल बढ़ रही है शॉर्टर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स कि आप जब प्रोडक्ट एक मार्केट में डालते हैं उसका लाइफ साइकिल भी अब कम से कम होता जा रहा है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हम उसको कहते हैं कि एक प्रोडक्ट अपने बनने से लेके तो मार्केट में जाके उसके बाद उस प्रोडक्ट के मार्केट से ख़त्म होने के तक ये सारे जो प्रोसेस होते हैं इसको हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहते हैं तो ये वक्त के साथ साथ शॉर्टर होता जा रहा है एंड हायर रेट्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स एंड एंड सर्विस डेवलपमेंट कि बड़ी तेज़ी के साथ नई प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मार्केट में आ रही हैं और पिछली सर्विसेज को और प्रोडक्ट्स को रिप्लेस कर रही है तो इस दौर में जो स्पीड है इनोवेशन की वो तेज़ हो गई है देर हैज़ बीन इन पैरालल अ स्ट्रॉग इंक्रीज इन द अमाउंट एंड कॉम्प्लेक्सटी ऑफ नॉलेज बींग यूज बाई ऑर्गेनाइजेशन कि ऑर्गेनाइजेशंस जो नॉलेज यूज़ करती हैं उस वो उसकी कम्पलेक्सटी भी बढ़ रही है और उसकी अमाउंट भी इंक्रीज हो रही है तो ये काम उसकी इनोवेशन की स्पीड के साथ साथ इन पैरल हो रहा है ऑर्गेनाइजेशंस विल रिलाई मोर एंड मोर ऑन देर कैपेबिलिटी टू इनोवेट इन ऑर्डर टू मेंटेन और गेन सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज। कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने मार्केट में रहना है मार्केट में मुकाबले की बेहतर हैसियत में रहना है उसे फिर इनोवेशन पे फोकस करना होगा अब के एम का रोल जो है इनोवेशन में इट इज़ नॉट क्लियर ऑथर्स मैंशन दैट देर इज़ लिटल क्लैरिटी इन बोथ द एक्टेमिक एंड प्रैक्टिशनर लिटरेचर ऑन द रोल के एम कैन और डज प्ले इन इनोवेशन ये रोल बहुत क्लियर नहीं है दिस लैक ऑफ क्लैरिटी प्रसिस्ट टुडे कि आज भी ये लैक ऑफ क्लैरिटी मौजूद है अब के एम जो है वो कैसे हेल्प करता है इनोवेशन को इस पर बात करते हैं कि के एम डाज नॉट होलली और डायरेक्टली फोकस ऑन इनोवेशन एज एन एंड रिजल्ट बट रादर दैट इट हैल्प्स क्रिएट एन एनवायरमेंट दैट मे बी कंडसिव फॉर इनोवेशन टू टेक प्लेस कि के एम का जब आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो ये डायरेक्टली इनोवेशन को नहीं लेके आएगी बल्कि उसके लिए एक साजगार माहौल प्रोवाइड करेगी uh, और ये कलेब्रेशन को प्रमोट करती है मैनेजिंग द कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएटेड बाय द वॉल्यूम एंड रिचनेस ऑफ नॉलेज के नॉलेज जितना ज़्यादा हो गया है जितना रिच हो गया है उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको मैनेज करती है नॉलेज मैनेजमेंट इंटीग्रेटिंग नॉलेज इन सच अ वे दैट इट इज़ इजिली एक्सेसिबल टू नॉलेज वर्कर्स नॉलेज को यूज़ करने वाले जो लोग हैं उनके लिए उसको इजीली एक्सेसिबल बनाया जाता है इस तरीके से नॉलेज मैनेजमेंट का जो फंक्शन है वो नॉलेज को मैनेज करता है और टेसट नॉलेज का इनोवेशन के साथ क्या रोल है के एम कैन हेल्प एम्प्लॉज़ शेयर टेसट नॉलेज विच टर्न कैन ट्रिगर इनोवेशन इनोवेशन के लिए टेस्ट नॉलेज को शेयर करना होगा उसके बगैर इनोवेशन पॉसिबल नहीं है टेस्ट नॉलेज बींग हार्डर टू आर्टिकुलेट ऑल्सो हार्डर टू डुप्लीकेट कि जितना उसको डिस्क्राइब करना उसको सामने लेके आना मुश्किल है उतना ही मुश्किल उसको फिर डुप्लीकेट करना है एंड इज देर फॉर मोर प्रोटेक्टेड फ्राम कंपेटिटर्स कि आपका जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का टेस्टेड नॉलेज होगा उससे दूसरे लोग महरूम रहेंगे दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के और आप अगर अपने टेस्टेड नॉलेज को कैप्चर कर लेते हैं तो आप दूसरों से आगे रह सकते हैं ए जनरल डील ऑफ नॉलेज रिमेन्स टेस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विस कि आप जब भी uh, नए प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में सोचेंगे तो आपका टेस्ट नॉलेज जो है वो आपके पास महफूज रहेगा अब कलेब्रेशन का इनोवेशन के साथ क्या लोग कलेब्रेशन uh, या नॉलेज शेयरिंग जो है वो नॉलेज मैनेजमेंट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है नॉलेज मैनेजमेंट एक्टिवली फोस्टर्स अ मोर कलाबरेटिव वर्क इन्वायरमेंट एंड प्रोवाइडस प्लेटफॉर्म्स टूल्स एंड प्रोसेस टू इंश्योर दैट एंड ऑर्गेनाइजेशन वाइड नॉलेज रिपॉसटरी इज अवेलेबल टू ऑल एम्प्लाइज कि नॉलेज मैनेजमेंट इस कलाबोरेशन को आगे बढ़ाने में अपना रोल प्ले करता है कि जिसके नतीजे में एक नॉलेज रिपॉजट्री बनती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के सारे एम्प्लॉज के लिए आसानी से अवेलेबल होती है द मोर पीपल इंटरेक्ट द ग्रेटर द लाइवलीहुड ऑफ डिस्कवरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू पीपल विद न्यू एक्सपर्टीज कि जितना ज़्यादा नॉलेज शेयर होगा जितनी ज़्यादा कलेब्रेशन होगी उतने इसके चांसेस बढ़ जाएंगे कि नए लोग नई एक्सपर्टीज़ के साथ आएँ और नया नॉलेज जो है वो सामने आए और उस नए नॉलेज से ही आप इनोवेशन की तरफ बढ़ सकते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल नॉलेज का क्या रोल है इनोवेशन में आर्गनाइजेशन नो लॉन्गर रिलाई ऑन जनरेटिंग इनोवेशन सोलली फ्राम देर इंटरनल नॉलेज बेस कि इसमें सिर्फ इंटरनल नॉलेज ही काफ़ी नहीं है कि उसको हासिल करके उसको कैप्चर करके उसको स्टोर करके आप इनोवेशन की तरफ बढ़ जाएँ आपको एक्सटर्नल नॉलेज भी चाहिए होता है वट इज़ नीडिड इज़ एन इंटीग्रेशन ऑफ इंटरनली एंड एक्सटर्नली जनरेटड नॉलेज विद एक्सटेंसिव कलेब्रेसन एंड इंट्रैक्शन बिटवीन पार्टनर्स कस्टमर्स सप्लायर्स रिसर्च लैब्स यूनिवर्सिटीज़ एंड मैनी अदर्स कि जितने भी नॉलेज के स्टेक होल्डर्स होते हैं जहाँ जहाँ भी लैब्स में काम हो रहा है यूनिवर्सिटीज में काम हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम हो रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन आपकी अपनी हो या कोई बैरूनी ऑर्गेनाइजेशन हो इन सारे स्टेक होल्डर्स की एक कलेब्रेशन के नतीजे में आप नॉलेज को जमा कर सकते हैं और उसे इनोवेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं